तो भैया ये कहानी है सोहेलपुर गांव के गुड्डू भैया की, जो अपने आई और बाबूजी के इकलौते जलते चिराग हैं। भाई साहब को पढ़ाई से बड़ा लगाव है, इसीलिए तो दिन भर की मेहनत के राम राम बाद भी चाचा। पढ़ाई के लिए कुर्सी मेज नहीं ढूंढते, जहाँ जगह मिलती वहीं शुरू हो जाते। तो आइए मिलते हैं इनसे। और गुड्डू भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है भैया। और गुड्डू भैया, सुना इलाहाबाद गए थे, कुछ किस्से सुनाओ वहां के। गए तो थे इलाहाबाद। चलो फिर इलाहाबाद का किस्सा हम अपनी जुबानी सुनाते हैं आपको। वो खेत जोत कर बाबूजी के साथ घर पहुंच रहे थे, आंखों में एक बड़ा अफसर का सपना सजाते हुए। और महसूस कुछ यूं हो रहा था कि मानो आज के बाद आई के हाथों का बना खाना ईद का चांद होने वाला हो। वो आई के कपकपाते हाथों से सर सहलाकर मिली गांव से वो विदाई, आजो आजो दिल के दर्द को दुगना कर जाती है। वो बाबूजी के साथ निकले थे स्टेशन की तरफ। दिल में कुछ तूफान सा उठ रहा था कि अब दिल्ली को दिल में बसाना है और कौनो बड़ा अफसर बनकर ही वापस आना है। लेकिन लेकिन वो बाबूजी का टूटा चप्पल देख के कलेजा पसीज गया था, और उनको कुछ पैसे थमा के कदम बढ़ा चुके थे इलाहाबाद की कोचिंगों की चहकती गलियों में। शुरू में तो खो जाते थे इतिहास बदलने के लिए पानीपत की लड़ाइयों में, लेकिन अब तो हाथों से करियर की रेखाएं ही मिटने लगी थी, भूगोल की रेखाएं पढ़ पढ़ के। पता है, हम मिडिल क्लास लौंडों का एक ही दर्द रहता था। पढ़ते कुछ भी थे, सलम महसूस कुछ और होता था। वो जैसे देखो ना, मानचित्र में सर पैंपस घास मैदान जब दिखाते थे अर्जेंटीना में, तो हमको हमरे बाबूजी खेत में अकेले घास छीलते नज़र आ जाया करते थे। हो वो जब करंट अफेयर का बाढ़ और सुनामी पढ़ाते थे, तो हमारी आई छत टपके की वजह से नीचे बर्तन रखते नज़र आती थी। कतरा में ठहरे हम यूपीएससी वालों को साहब, दिन रात कुछ महसूस ही नहीं होता था। और साथ के लड़कन की महबूबा का जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज आता था, तो हम भी अपनी आई को फ़ोन लगा लिया करते थे। हेलो। हाँ ये प्रणाम। ठीक ही है सब। और बाबूजी, तबीयत ठीक रहती है? देखो, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी जी हाँ, वो कर लिया था। आई जल्दी आएंगे घर। हाँ प्रणाम आई। बाकी दिन रात तो डूबे रहते थे किताबों के इश्क में, और ये इश्क में चाय का जाम मिलाने वाले दिलीप चच्चा से भी अब अपना रिश्ता चाय पत्ती और दूध जैसा हो गया था। और वो अपने साथे का इकोनॉमिक्स का टॉपर रिंकुआ हमेशा मदद करता था अमरी। ऐसे तो वो पैसे जोड़ जोड़ के रखता था, लेकिन हमारा फॉर्म भरने अकेले चला जाता था। खैर, हमको तो था ही खुद पर भरोसा, साथ में उनको भी था कि एक दिन अफसर तो बने जाना है। ईमानदारी से कहते हैं, इतना इश्क था किताबों से कि प्रीलिम्स और मेंस तो बाएं हाथ का खेल हो रहा था,
हर दफा इंटरव्यू से बाहर। कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूं कहो तो अब यूपीएससी एग्जाम नहीं, इमोशन बन चुका था हमारे लिए। कईयों बार तो ये परीक्षा परिणाम की झंड जिंदगी को समाप्त करने नैनी ब्रिज पर पहुंच जाते थे। लेकिन वो राह ताकती आई बाबूजी की आंखें ना, कदम बढ़ाने से पहले सीना चीर के रख देती थी। तब नहीं पता था कि हमरा इश्क नहीं, आयोगा बेवफा है साहब। अब तो उम्र भी जा रही थी अपनी, बाबूजी भी खेत से ज़्यादा आयोग को जाने लगे थे। आखिरी प्रयास था इंटरव्यू का। बाबूजी भी खेत की निराई छोड़ साथे चल दिए थे सेंटर पे, क्योंकि वो जान चुके थे यार कि आयोग को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे इस आखिरी प्रयास से। लेकिन मुझे वो खो देते मेरी इसी हार से। तब दिमागे में नदियाँ और झीलें बहती थीं, अब दिल में दर्द की नदियाँ बहती हैं। कभी निकले थे तकदीर बदलने को, लेकिन अब तो तकदीर ने ज़िंदगी बदल के रख दी। वो आखिरी प्रयास के बाद हमों बाबूजी चले गए थे संगम पर अपना दर्द बहाने को। और तब डिसाइड कर लिए थे कि गांव के एक ना एक लड़का को तो अफसर बनावेंगे ही। और आज जब ही खेत और खलियान में हम लड़कन को भूगोल इतिहास पढ़ाते हैं ना साहब, तब सीने में भरे दर्द पर कुछ मलहम लगने जैसा महसूस होता है। तो बस इतनी सी थी भाई अपनी कहानी, चलते हैं। हाँ भैया, गांव के एक लड़का को तो अफसर बना के छोड़ेंगे। राम राम। ऐ दोस्त, जिंदगी के सबसे कठिन सफर से कभी नाराज नहीं होना। दिल बहके भी अगर गलत रास्ते पर, तो जान से कभी उन्माद नहीं करना। बहुत हो जाए अगर तो हालात वक्त पर छोड़, परेशान नहीं होना। जिसने खुद की परवाह किए बिना पाला है तुम्हें, उसे कभी तबाह नहीं करना, कभी तबाह नहीं।